हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन और आज बात करने वाले हैं के पॉप इंडस्ट्री के एक और कमाल के ऑडिशन के लिए। बेसिकली बहुत सारी गर्ल्स के कमेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि गर्ल्स के ऑडिशंस कब निकलेंगे, बॉयज के तो मोस्टली निकलते ही रहते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के पॉप इंडस्ट्रीज़ कॉम्पिटिशन्स निकालती रहती हैं, बट अभी एक गर्ल्स कॉम्पिटिशन के पॉप इंडस्ट्री की तरफ से निकला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है और आपको मोस्टली जितनी भी इंफॉर्मेशंस होंगी वो सभी बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, बिकॉज आपने देखा होगा सब्सक्राइबर्स तो मेजरली ज्यादा हैं बट व्यूज बहुत कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हाइव गैफन कंपटीशन के बारे में। बेसिकली हाइव गैफन क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। हाइव गैफन एक कोरियन बेस्ड इंडस्ट्री है जो कि साउथ कोरियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर 2005 के अंदर स्टार्ट हुई थी। हम इसको बिग हिट एंटरटेनमेंट की सब्सिडरी भी बोल सकते हैं। और जो लोग नहीं जानते बिग हिट एंटरटेनमेंट क्या है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, BTS बिग हिट एंटरटेनमेंट से ही निकला है, तो उसकी सब्सिडरी है ये कंपनी और ये मोस्ट पॉपुलर कंपनियों में से एक आती है। कोरियन की जितनी भी कंपनियां हैं वो ज्यादातर बहुत सारे ऑडिशंस निकालती रहती हैं, बट जो ये कंपनी है यानी कि हाइव गैफन, और हाइव गैफन जो ये इंडस्ट्री रिकॉर्ड लेबल, टैलेंट एजेंसी, म्यूजिक प्रोडक्शन ये सभी काम करती है। वैसे तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो हाइव गैफन है उसने लॉन्च किया है बिग हिट को, पर बहुत सारे लोग इसका अपोजिट बोलते हैं क्योंकि बिग हिट ज़्यादा फेमस हो गया BTS की वजह से, इसलिए हाइव गैफन इंडस्ट्री को उसका सब्सिडरी बताया जा रहा है। बट अगर हम किसी सोर्सेस पे देखें या विकिपीडिया पे देखें तो हमें समझ में आता है जो हाइव गैफन है वो बड़ा जाइंट है जिसके अंदर ये सब्सिडरीज आती हैं, जैसे बिग हिट हो गया, प्लेडिस इंटरटेनमेंट हो गया, सोर्स म्यूजिक हो गया, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इसकी एज अ सब्सिडरी वर्क करती हैं पूरी कोरिया के अंदर। अभी आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आ गया होगा, लेकिन अब चलते हैं हम इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। वहीं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ग्लोबल गर्ल्स ग्रुप ऑडिशन टूर ये चल रहा है, और ऊपर आप देख सकते हैं इंडस्ट्री का नाम, यानी कि आप देख सकते हैं हाइव गैफन ऊपर इंडस्ट्री का नाम आ रहा है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये कॉम्पिटिशन ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए भी ऑलरेडी बिग हिट है, और गर्ल्स के लिए अब ये हाइव गैफन नया एक इंडस्ट्री हम इसको बोल सकते हैं जिसके अंदर ओनली गर्ल्स के लिए। और इधर आप देख सकते हैं एज, अगर आपकी एज 15 साल से 19 साल के बीच में है तभी आप इस कंपटीशन, इस ऑडिशन, इस इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं। वहीं ये नीचे आप देख सकते हैं 16 से 19 है, बट ये EU रेसिडेंट के लिए है यानी कि यूरोप यूनियन बेस, और हम लोग यूरोप यूनियन बेस में तो आते नहीं है, तो फिर हमारे लिए 15 से 19 साल का एज कैटेगरी मानी जाएगी। वहीं आप इधर देख सकते हैं इनमें से अगर आपको कुछ भी आता है तो यानी कि आपको सिंगिंग आती है, रैपिंग आती है, डांस करना आता है, तो फिर आप इस कंपटीशन के लिए एलिजिबल हैं। थोड़ा और नीचे चलते हैं तो हमें और चीज़ें समझ में आती हैं, जैसे कि डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, और ये पूरा परफॉर्मेंस है। अब हम चलते हैं सीधा फॉर्म की तरफ, यानी अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे। एक बात और बताना चाहूँगा, इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, यानी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, और नहीं तो आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। बेसिकली कमेंट में पिन इसलिए नहीं कर पाता कई कई बार क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन लग जाती हैं यूट्यूब की तरफ से कि कमेंट्स में हम ज़्यादा लिंक्स नहीं डाल सकते। तो अगर आपको कमेंट में नहीं मिलता तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा, वही मैं आपको साफ साफ लिख दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो फाइंड करने में। जैसे ही मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो आप इधर देख सकते हैं ये इधर खुल चुका है फॉर्म, जिसके अंदर अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो हमें समझ में आता है जो डेट ऑडिशंस हैं कुछ सिटीज़ के अंदर हैं, ये डेट हैं, जैसे कि आगे वाला मंथ है और पीछे वाला डेट है, यानी कि 19, 26, 27, 2 और उसके बाद 30। अगर आप इन सिटीज़ के आसपास जा सकते हैं ऑडिशन देने तो फिर आपके लिए सही है, और अगर आप इन सिटीज़ के आसपास नहीं जा सकते तब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बेसिकली मैं तो यही मान के चलूँगा आप इंडिया से हैं तो फिर इंडियंस इन सिटी के आसपास तो होंगे नहीं, क्योंकि ये सिटीज़ एज अ कोरियन अदर कंट्रीज़ के अंदर हैं, इंडिया का कोई भी इसमें नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें
फॉर्म फिल करना है, बट उसके बाद जब वो हमें बुलाएंगे या आपका सेकंड राउंड होगा, देन उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस होगा वो देखेंगे। तो ये जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं, इसके अंदर गाइज आपको मेल करना होगा इनके पास, अगर आप इनके आसपास सिटीज़ के अंदर आ सकते हैं तो। बाकी आप राइट साइड देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो हमारे काम की चीज़ें वो राइट साइड ही है। और आप इधर देख सकते हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई अगर आप इन सिटीज़ के अंदर नहीं जा सकते तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को फिल करने के लिए हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फॉर्म खुल के आ जाता है। तो आप इधर देख सकते हैं फॉर्म आ चुका है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये स्विच अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इधर आपको अपना मेल चेक कर लेना है कौन सा मेल है। अगर आपको लगता है कि इस मेल पे आप सभी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो ये आपको सेंड करेंगे, तो फिर आप यही रहने देना। अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो स्विच का ऑप्शन आएगा जिसमें आप अपनी मेल डाल सकते हैं। थोड़ा नीचे चलेंगे तो इधर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, थोड़ा और नीचे चलेंगे अपना इधर फर्स्ट नेम, अगर लास्ट नेम है तो वो भी डालिए। उसके बाद आप थोड़ा और नीचे चलेंगे तो आपको अपनी परफॉर्मेंस कैटेगरी डालनी है कि आप सिंगर हैं, डांसर हैं, रैपर हैं, प्रोड्यूसिंग हैं, तो जो भी हैं आप जो भी कर सकते हैं वो आप अपना टैलेंट डाल सकते हैं। इधर देख सकते हैं गाइस एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं तो तब भी आपको एक ही ऑप्शन चूज करना होगा। नेशनलिटी, इधर आपको अपनी नेशनलिटी डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर डालना है। अब इधर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है, यानी कि सोशल मीडिया URL। आपको आपने अगर अकाउंट बना रखा है इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, हालांकि टिकटॉक तो इंडिया में चलता नहीं है, तो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट ही डालना होगा। तो मैं बोलना चाहूँगा जो लोग केपॉप इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं उनको इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना होता है। अब बेसिकली इंस्टाग्राम अकाउंट आपका इसलिए मांगते हैं, वो आपकी प्रोफाइल देखना चाहते हैं, आप क्या अपलोड करते हैं, क्या रखते हैं, वो सब आपका देखना चाहते हैं। बट सवाल यहाँ पर आता है कि मैंने अक्सर ये देखा है ज़्यादातर बॉयज़ गर्ल्स के अंदर कि वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं और वो पोस्ट डालते हैं दूसरे अपने फैंस की, जितने भी लोग हैं, गर्ल्स ज़्यादातर लीसा की डालती हैं, बॉयज़ ज़्यादातर BTS के ग्रुप के किसी मेंबर की पोस्ट को डालते रहते हैं और अपनी फ़ोटोज़ अपनी वीडियोज़ वो नहीं डालते। और अगर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डालो या ना डालो वो आपकी मर्जी है, और आप किसी और का ही फ़ोटो डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो लोग इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाना चाहते हैं और ऑडिशन देना चाहते हैं तो उनको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना ही होता है, उसके अंदर वो अपनी फ़ोटोज़ डालें, अपनी वीडियोस डालें तो ज़्यादा बेटर रहता है। किसी दूसरे की डालोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज आपको नेम फेम चाहिए तो फिर दूसरों के पीछे चलना बंद कर दीजिए। तो ये चीज़ है, अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है और आपने दूसरों की फ़ोटोज़ डाल रखे वो बनाया हुआ है तो फिर वो बेकार है, अपना खुद का आपको पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट डालना है। थोड़ा और नीचे चलते हैं और इधर आप देख सकते हैं प्लीज प्रोवाइड अ फेस फोटो, यानी कि अपना फेस फोटो आपको इधर देना है। फेस फोटो के अंदर आप फिल्टर मत डालना, फिल्टरिंग मत करना, फोटोशॉप मत करना, एडिट मत करना, जैसे आप हो वैसा ही डालना, बिकॉज अगर आप फिल्टर करके उनको देते हैं बाद में आपको रिजेक्शन मिलेगा तो फिर ज़्यादा दुख होगा आपके फेस की वजह से। इसीलिए जैसे हो वैसे डाल दीजिए, एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि और भी कॉम्पिटिशन है, इंडियन कॉम्पिटिशन है, जरूरी नहीं आप कॉम्पिटिशंस के अंदर ही जाएं। तो फिर आपको जो रियलिटी है, जो नेचुरलिटी है, वही आपको शो करनी है। बाकी आप इधर देख सकते हैं, इधर आपको अपना ऑडिशन वीडियो डालना है। ऑडिशन वीडियो यानी कि अपना इंट्रोडक्शन बताइए, उसके अंदर आप अगर सिंगर हैं तो सिंगिंग करके दिखाइए, डांसर हैं तो डांसिंग करके दिखाइए, रैपर हैं तो रैप करके दिखा सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है जिसके अंदर पूछा जा रहा है कि भाई आपको कैसे पता चला इस कॉम्पिटिशन के बारे में, इस रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आप इधर इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, ये तो आप बता नहीं सकते आप, क्योंकि आपको इधर से नहीं पता चला, आपको पता चला मेरे थ्रू यानी यूट्यूब के थ्रू। तो फिर यूट्यूब का ऑप्शन इधर है नहीं, तो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली डाल सकते हैं, बाकी इसमें आप कुछ भी डाल दीजिए वो आपके ऊपर है। और उसके बाद आपको आई एग्री करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो बेसिकली अब बात करते हैं कि भाई इसकी लास्ट डेट क्या है। तो अगर आप फॉर्म के सबसे ऊपर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये फॉर्म 7 मार्च को निकला था और ये 7 मई को क्लोज हो जाएगा, जो कि आप इधर साफ साफ देख सकते हैं 7 मई 2022 को ये फॉर्म क्लोज हो जाने वाला है।
तो आपके पास मार्च अप्रैल मई यानी कि कह सकते हैं कि 2 मंथ्स हैं जिसके अंदर आप आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के कि केपॉप इंडस्ट्री के अंदर यानी कोरियन बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर जो कि बिग हिट इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये चांस हम कह सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको सब कुछ समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उसको दोबारा रिवर्स करके पूरी वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।